नमस्कार मैं रणधीर परिवर्तन मैथमेटिक्स पे आप सबका स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे तो जैसे कि हम लोग हम लोग ये सीरीज में आपको जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं क्या बेस्ट वे रहेगा क्या बेस्ट टेक्निक रहेगा ये सब सिखा रहे हैं जैसे कि हम आपके सामने आज 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और धीरे धीरे करके हम आपको सिखाएंगे कोशिश कीजिएगा आप सीखने का प्रयास कीजिएगा कैसे क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है देखिए लिखा हुआ है कि पैंसठ क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना 118 है एक है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो देखिए ये सब क्वेश्चन आजकल आए दिन काफ़ी एग्जाम में फेमस हो रहे हैं और एग्जाम में आ रहे हैं बच्चों को ये तकलीफ भी देते हैं बहुत सारे बच्चे इसको एक्स मान के बना रहे हैं तो इसको हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट वे क्या होगा अगर आपसे कोई बोले अच्छा क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है आप जानते होंगे बीच वाली संख्या को क्या बोला जाता है औसत बोला जाता है क्रमागत में इसका मतलब क्रमागत कोई भी संख्या मान लीजिए सभी संख्या लिखा हुआ है अगर कोई आपसे बोले कि अगर हम लिख दें यहाँ पर कि दस बारह चौदह ये सम संख्या लिख रहे हैं दस बारह चौदह सोलह और फिर मान लीजिए हम बोल दे अट्ठारह और कोई हम आपसे यहाँ पूछ ले आपसे हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे दिए दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह ये सब आप देख रहे होंगे लगातार क्रमिक सम संख्या कहीं से भी ले सकते थे ज़रूरी नहीं है कि आप दस से ही ले आपको मन करे तो एक, मतलब बारह से ले लीजिए मन करे तो बीस से ले लीजिए मन करे तो तीस से बत्तीस से जहाँ से मन वहाँ से अगर हम आपसे यहाँ पूछे कि औसत क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या यहाँ औसत होगा मतलब इधर दोगो इधर दो गो ध्यान दे रहे हैं तो बीच में कौन बैठा है चौदह है ना बीच में मतलब इधर दो संख्या इधर दो संख्या तो बीच में चौदह है तो इस सीरीज का ये जो भी क्रमागत सम संख्या का सीरीज है इसका औसत चौदह आने वाला है आने वाला है कि नहीं चौदह आप कैसे निकालते होंगे आप ऐसे भी निकालते होंगे कि इन दोनों जो इन दोनों को जोड़ करा था मतलब आप देखिए दस और अट्ठारह जोड़िए दस और अट्ठारह कितना होता है दस और अठारह अट्ठाइस होगा ना और उसका आधा करेंगे तो चौदह आ जाएगा कि नहीं तो औसत आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला पद प्लस अंतिम पद अब बटा में दो वो भी औसत होता है लेकिन आप समझिएगा कि जो सम संख्या जो भी कोई भी चीजें जो क्रमागत है वो बीच वाली संख्या ही क्या होती है वो वो सम संख्या जो बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी एवरेज हो जाएगा उस सीरीज का जैसे यहाँ तो पाँच गो था ना अब कोई बोले कि जरूरी है सर ऐसा हो, हो सके ऐसा हो कि ध्यान दीजिएगा ऐसा लिख देते हैं कि छ आठ दस बारह अच्छा मान लीजिए ये सीरीज ले ले रहे हैं बारह चाहे और लंबा ले लेते ले हैं बारह चौदह ले लीजिए और तीन दो पाँच है ना एक और ले लीजिए ले ले सोलह लीजिए मान लीजिए ये वाला सीरीज है ये भी तो दो दो के गैपिंग पे है और सम संख्या है आपको भी मालूम होना चाहिए कि जो सम संख्याएं है होती हैं और विषम संख्याएं है होती हैं वो दो दो के गैपिंग पे होती हैं तो अब कोई बोलेगा इसका औसत क्या है तो आप ध्यान दीजिए अगर हम इसका औसत निकालें तो क्या तरीका होगा बीच वाली संख्याओं संख्या जो होती है औसत होती है तो आप देखेंगे कि सर बीच में तो यहाँ दो दू गो है मतलब देखिए तो ऐसे करना होगा कि तीन गो इधर आ, तीन गो इधर तो बीच में तो कुछ है ही नहीं इसका मतलब आप समझिए कि बीच में आप खुद से इमेजिन करेंगे कि यहाँ बीच की संख्या क्या होगा तो दस और बारह के बीच जो होता है वह ग्यारह

बताना चाह रहे थे कि जो औसत होता है क्रमागत संख्याओं में सम हो चाहे विषम हो चाहे नॉर्मल क्रमागत हो जिसपे एक की गैपिंग होती है इन सब का औसत क्या होता है बीच वाली संख्या होती है जैसे यहां बीच में आपको दिख रहा है तो यही हो जाएगा औसत जहां नहीं होता है वहां इमेजिन किया जाता है इन दोनों के बीच ये ग्यारह होगा औसत आप निकाल के देख लीजिए औसत ग्यारह ही आएगा तो बात आप समझ पा रहे होंगे ये थोड़ा सा बेसिक था ये सब चीजें आपको आनी चाहिए अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए ये तो ठीक है अपनी जगह पर लेकिन अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है क्वेश्चन पे बात कर लिया जाए जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोला है पैंसठ क्रमागत सम संख्याओं का औसत एक सौ अठारह है तो एक बात बताइए पैंसठ को है तो हम आधा आधा बांटेंगे तो बत्तीस दूना चौंसठ होता है तो हम कह सकते हैं कि अब औसत तो बीच में होता है तो हम बोल सकते हैं कि बीच में सर यहाँ औसत होगा बत्तीस संख्या इधर देखिए कैसे लिख रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं समझने का प्रयास कीजिएगा बत्तीस संख्या इधर लिख दे रहे हैं बत्तीस संख्या इधर होगा औसत से इस तरफ कितनी संख्याएं होंगी बत्तीस संख्याएं इधर होगा ठीक है और बीच में तो बत्तीस बत्तीस इधर भी बत्तीस को होगा हम बोलेंगे इस तरफ भी कितनी संख्याएं होगा तो बोलेंगे 32 को इधर भी संख्या होगा सम संख्या ही है 32 को सम संख्या इधर भी होगा तो हम बोलेंगे 32 को इधर होगा 32 को इधर होगा तो 32 बत्तीस चौंसठ लेकिन टोटल तो पैंसठ है तो इसका मतलब बीच में औसत होगा तो यहाँ पे आप औसत रखिएगा इस जगह पे आप क्या रख लीजिएगा कि यहाँ पे औसत होगा तो आपको औसत कितना दिया 118 तो हम बोलेंगे इसका मतलब 118 क्या हो गया यहाँ औसत हो गया और यही बीच वाली संख्या होगी तो समझ में आ रहा है बांटा कैसे जा रहा है मतलब अगर टोटल पैंसठ गो है तो औसत से इधर भी बत्तीस गो होगा और औसत से इधर भी बत्तीस को संख्या मतलब बत्तीस बत्तीस चौंसठ और एक इसको मिला लेंगे तो पैंसठ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ बीच में औसत जो है एक सौ अठारह कहाँ रखाएगा बीच में रखाएगा और आप समझिएगा इस बात को बत्तीस संख्याएं होने का मतलब क्या है कि जैसे इसके बाद ना जैसे एक संख्या फिर दो संख्या उसी तरह तीन संख्या फिर चार संख्या होगा फिर पाँच संख्या होगा ऐसा ऐसा कितना होगा बत्तीस गो संख्या होगा एक गो दो गो, तीन गो चार गो पाँच गो ऐसे ऐसे कितनी संख्याएं होंगी बत्तीस संख्याएं इधर होंगी और उसी तरह इधर भी इसके इधर भी बत्तीस गो संख्या होगा जैसे एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो बनाइएगा तो कितना बनेगा बत्तीस संख्या होगा तो ये वाला बात समझ में आ रहा है बंटवारा वाला एकदम ईजी है कि पैंसठ को अगर संख्याएं हैं सम संख्या है तो बत्तीस को इधर होगा बत्तीस को इधर तब ना बीच में होगा बत्तीस बत्तीस चौसठ और एक जो बच गया वो औसत बीच में होगा तो हम बोलेंगे एक बीच में होगा अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं एकदम शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहे हैं आप नॉर्मल एक बात बताइए हमको आप जब हम पूछ रहे हैं आप जानते होंगे कि सम संख्याओं में जो गैपिंग होता है कितने का होता है दो दो का होता है कि नहीं सम और विषम में दो दो के गैपिंग पे चलता है कि नहीं मतलब दो 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 बढ़ के होता है हर तो अगर हमको यहाँ पूछ क्या रहा है आप देखिए कह रहा है सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसे बड़ा जाना है तो 118 के आगे जाना होगा छोटा जाना होगा तो 118 के पहले जाना होगा तो सबसे बड़ी संख्या जाना है तो 118 से आगे तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि इस तरफ कितनी संख्याएं हैं बत्तीस को संख्या है और आप जान रहे हैं कि हर संख्या में दो दो का दो दो बढ़ के होगा हर संख्या कितना बढ़ के होगा दो दो बढ़ के होगा कि नहीं अगर बत्तीस को संख्या है इधर साइड और गैपिंग तो सबके दो दो का होगा तो बत्तीस संख्या है तो कितना बढ़ा होगा तो हम बोलेंगे लास्ट वाला चाहिए सबसे बड़ी संख्या चाहिए अंतिम वाला तो हम बोलेंगे सर अगर बत्तीस को संख्या अब देखिए अगर उंगली पे बढ़ाएंगे दो गो दूगो बहुत टाइम लगेगा तो बत्तीस को संख्या है दो दू गो बढ़ेगा तो बत्तीस दूना चौंसठ बत्तीस दूना कितना हो जाएगा चौंसठ हो जाएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगर बत्तीस दूना कितना हो गया चौंसठ हर संख्या पे दो दो बढ़ेगा तो बत्तीस गो पे चौंसठ बढ़ जाएगा इसका मतलब जो लास्ट वाली संख्याएं होगी जो लास्ट वाला संख्या होगा वो कितना बढ़ के आएगा चौंसठ बढ़ के आएगा तो एक से कितना बढ़ जाएगा चौंसठ बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे एक में अगर हम चौंसठ जोड़ दें तो सबसे आखिरी वाला संख्या आ जाएगा अंति आखिरी वाला संख्या ही तो सबसे बड़ी संख्या होगा तो आप आठ चार बारह का दो हाथ में एक छः एक सात और एक आठ और एक यहाँ पे तो एक सौ बेरासी तो कहेंगे इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या वन एट्टी टू तो आप देखिए कितना शानदार तरीके से सिखाए हैं और हम आपको यही बता रहे हैं कि जो आपको तकलीफ देता है क्वेश्चन उसको हम बेस्ट तरीके से कैसे करेंगे ये हम आपको सिखा रहे हैं इस वाले वीडियो में तो आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं तो बात आगे बढ़े यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना आपको तो ये समझ में आ गया अच्छा समझ में आया एक सौ अट्ठारह तो औसत है इधर बत्तीस गो संख्याएं हैं तो आखिरी वाला निकालने के लिए हर संख्या में दो दो का गैपिंग होगा तो बत्तीस गो में बत्तीस दो ना चौंसठ चौसठ हो जाएगा बढ़ेगा तो यहाँ से हम बोलेंगे चौसठ भरना पड़ेगा तो आखिरी आएगा तो एक सौ अट्ठारह में चौसठ जोड़ देंगे तो वन एट्टी टू अच्छा ये जो होगा ये क्या आएगा तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या कोई दिक्कत किसी को सबसे बड़ी संख्या आ रहा है सबसे बड़ी संख्या ठीक है अच्छा अगर कोई अगर यहाँ पे अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर सबसे बड़ी बोला है सबसे छोटी भी तो बोल सकता था इसमें सबसे छोटी भी तो बोल सकता था तो अब आपको छोटी के लिए बैक जाना होगा यहाँ से बैक तो 32 संख्या इधर भी है तो सब में अगर दो दो का गैपिंग है तो यहाँ भी तो 32 गुना दो करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ भी तो चौंसठ का गैपिंग आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं इसका मतलब अगर आपको यहाँ सबसे छोटी चाहिए तो 118 में से कितना घटाना होगा चौंसठ घटाना होगा तो 118 में से अगर आप चौसठ घटाते हैं ना तो आपको कितना प्राप्त होगा यहाँ चार और यहाँ पे पाँच चौवन ही तो प्राप्त होगा ग्यारह में से छह जाएगा तो पाँच हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये जो चौवन आया है ये क्या आया है तो सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या।, संख्या तो यहाँ अगर छोटी मांगता तो सबसे छोटी कितना हो जाता चौवन क्योंकि बत्तीस यहाँ बत्तीस संख्या ये पीछे जाना होगा और हर संख्या पीछे जाने के लिए दो घसकना होगा तो बत्तीस घसकने के लिए चौंसठ नहीं घसीकीयेगा तो चौंसठ कम कर लीजिए आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा अच्छा यहीं पे अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आएगा हम ले आए भी हैं आगे आने वाले में मिलेगा क्या होता है, है ना कि बोलता है ना कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए तो क्या होता है कुछ बच्चे क्या होता है बड़ी और छोटी का योग निकालने के लिए क्या करते हैं वो पहले छोटी संख्या निकालेंगे वो भी सबसे छोटी निकालेंगे और फिर सबसे बड़ी निकालेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे तो उनमें टाइम लग जाता है देखिए अगर आप छोटी निकाले देखिए यहीं पे अगर हम बोले कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या होगा तो आप आराम से बोलेंगे सर कुछ करना नहीं है आप चौवन को कितना में जोड़ दीजिए वन में क्योंकि सबसे बड़ी एक 182 है और ये फिफ्टी है तो हम बोलेंगे छोटी और बड़ी संख्या का जो योग होगा वो सॉरी यहाँ पर वन ना होगा हम कहेंगे यहाँ 182 में कितना जोड़ना होगा तो हम बोलेंगे 182 में 54 जोड़ दीजिए तो सबसे छोटी और बड़ी का जो योग होगा छः यहाँ होगा और आठ चार बारह और एक तेरह का तीन हाथ में एक और एक और एक दो इसका मतलब दो सौ छत्तीस आ रहा है लेकिन आप ऐसे करिएगा ये जो आ रहा है ऐसे नहीं करना है हम आपको बताएंगे बेस्ट वे आप समझिए ये क्या आया तो हम बोलेंगे ये सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग है छोटी संख्या का योग है मतलब ये क्या आया है तो कोई बोले तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग है ये मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी छोटी संख्या का योग है लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन में है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है तो इतना नहीं करने की जरूरत है आप इसको बड़ी निकाले छोटी निकाले फिर जोड़े आप सीधा औसत को डबल कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा औसत कितना दिख रहा है एक सौ का डबल दो नहीं होता है वही तो है ये दो तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि औसत को डबल कर देंगे तो अगर हम औसत को डबल कर देंगे ना तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या निकल जाता है योग निकल जाता है अच्छा ये क्यों निकल जाता है इतना नहीं करना होगा अगर योग मांग रहा है तो बड़ी मांगेगा तो निकालेंगे छोटी मांगेगा तो भी निकालेंगे लेकिन योग मांग रहा है तो नहीं निकालना होगा आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है ऐसा कैसे हो रहा है कि योग के लिए आप ऐसा कैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि औसत जो होता है ना क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है बोलता है ना कि पहला पद पहला पद प्लस अंतिम पद औसत जो होता है क्रमागत का क्या होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटा का दो यही तो औसत होता है ना और औसत यहाँ तो 118 है 118 है कि नहीं औसत तो हम बोलेंगे कि औसत क्या होता है क्रमागत संख्याओं का तो हम बोलेंगे पहला पद प्लस अंतिम पद बटा दो तो पहला पद का मतलब ही तो सबसे छोटी संख्या होती है और अंतिम पद क्या मतलब सबसे बड़ी तो इन दोनों का योग चाहिए तो ये जो भागा में दो है उधर जाके उसे गुना हो जाएगा तो हम नहीं बोल पाएंगे कि जो पहला पद है जो पहला पद है और जो अंतिम पद है जो पहला पद है और जो अंतिम पद है उनका जो योग आएगा वो कितना आएगा इनका योग तो हम बोलेंगे दो से उधर गुना कर लेंगे तो एक का डबल कितना हो जाएगा दो सौ छत्तीस आ जाएगा यही आपका यहाँ आ जाएगा तो इसीलिए हम आपको बताएं पहला का मतलब छोटी संख्या और अंतिम का मतलब बड़ी संख्या तो अगर कोई बोले कि अगर हमको पहला संख्या और अंतिम संख्या मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग मांगे तो आप सीधा कहिएगा तो इतना नहीं करने की जरूरत है हम सीधा औसत को डबल कर लेंगे एक सौ अठारह का डबल दो सौ छत्तीस तो बात समझ में आ गया होगा बात समझ में आ गया होगा इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा तो इतना हो गया अब देखिए इसमें में एक और क्वेश्चन बोल देता है कि आपको बोल देगा यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए यहाँ क्या बोल देगा सबसे बड़ी और देखिए इसमें जितने तरह से पूछता है ना हमको बता रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करा देंगे इतना अच्छा करा देंगे क्या बताएं तो अगर हमको यहाँ पूछे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए तो आप देखिए तो सबसे बड़ी कितना है वन एटी टू ऐसे नहीं करेंगे हम आपको करके दिखा रहे हैं बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे बड़ी और छोटी का अंतर तो हम बोलेंगे वन एटी टू में से सर आप फिफ्टी फोर घटा लीजिए तो फिफ्टी फोर घटाएँगे तो बारह में से चार जाएगा आठ आएगा ना और सात में से पाँच जाएगा दो आएगा और ये एक तो हम बोलेंगे कितना आ गया जी तो हम बोलेंगे एक सौ अट्ठाईस आ गया कितना आ गया एक सौ अट्ठाईस तो हम बोलेंगे ये क्या है तो बोलेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है छोटी संख्या का अंतर है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है ध्यान दे रहे हैं अब अंतर मांगेगा तो अब क्या पूरा निकालेंगे नहीं पूरा नहीं निकालना पड़ता है ना अंतर है। अंतर है। ठीक है तो अब बात समझिएगा कि अगर कोई बोलेगा कि आप देखिएगा ये संख्या लिखे हैं बड़ी संख्या शॉर्ट में यहाँ लिखा है यहाँ पूरा लिख दिए हैं तो अगर ध्यान दीजिएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर मांगेगा तो एक आ रहा है ना तो देखिए जैसे हमको यो इसमें भी शॉर्ट लिखे आपको बड़ी और छोटी का अंतर मांगे ना तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप पहला निकाल रहे हैं अंतिम निकाल रहे हैं और अंतर कर रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं है आप सीधा जितनी संख्याएँ रहेगा आप देखिए यहाँ पर कितना संख्या है पैंसठ है ना पैंसठ को क्रमागत सम संख्या है तो अगर पैंसठ को संख्या है तो एक कम करके डबल कर दीजिएगा ना कुछ भी संख्या हो एक कम करके डबल कर देंगे ना तो अंतर आ जाएगा एक मतलब पैंसठ है ना तो आप पैंसठ में से एक कम कीजिए तो पैंसठ में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा चौंसठ और चौंसठ का डबल कर लीजिए तो चौंसठ का डबल कितना होता है एक सौ अट्ठाईस यही तो अंतर आ रहा था देखिए यहाँ एक सौ अट्ठाइस आ रहा है कि नहीं अंतर तो अगर अंतर मांग रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का तो आपको बड़ी छोटी निकाल के अंतर करने की जरूरत नहीं है आप सीधा कहेंगे जितनी संख्याएं हैं ना उसमें से एक कम कर दीजिए जितनी संख्याएँ उसमें से एक कम कर दीजिए और उसका क्या कर लीजिए उसको डबल कर लीजिए आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब आप एक कम करके डबल क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे एक चीज़ों को समझ समझ रहे हैं पैंसठ को संख्या है तो पैंसठ है तो एक कम कीजिए तो चौंसठ अ चौंसठ का डबल एक सौ अट्ठाईस so, तो ये जो आएगा ना ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर आएगा अच्छा ऐसा क्यों होता है एक कम करके डबल क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप एक बार देखिए अगर हम यहाँ संख्या लें जैसे एक संख्या लेते हैं एक संख्या दो संख्या ये तीन संख्या ये चार संख्या ये पाँच संख्या अच्छा यहाँ पाँच संख्या है अच्छा पांच संख्या है लेकिन अगर गैपिंग देखिएगा ना सब में तो चार कहीं होगा देखिए एक दो तीन चार पाँच संख्या है लेकिन गैपिंग देखिए गैपिंग मतलब एक गैपिंग दो गैपिंग तीन गैपिंग और ये चार गैपिंग इसका मतलब पहला वाला और आखिरी वाला में अगर अंतर का बात करेंगे तो यहाँ गैपिंग कितना एक दो तीन चार गैपिंग है तो इसीलिए देखिए संख्या पाँच है तो गैपिंग चार है एक कम हो जा रहा है कि नहीं इसका मतलब हम कहेंगे इसीलिए यहाँ एक कम करके डबल और हर गैपिंग का जो यूनिट होता है कितना होता है दो होता है क्योंकि सम में दो दो बढ़ता है इसीलिए यहाँ दो से गुना इसका मतलब अगर कोई आपसे बोले जैसे हम कोई भी संख्या लिख दें सम संख्या हम कोई लिख दे रहे हैं यहाँ पर ठीक है आप समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दे कि 18, 20, यहाँ लिख दे अगला 22 होता है ना और यहाँ 24 और यहाँ कितना लिख दे अगला 26 अच्छा अब अगर हम यहाँ बोले कि यहाँ पांच संख्याएं हैं ना एक दो तीन चार पाँच और अगर हम बोले कि इसका अंतर क्या होगा बड़ी और छोटी का तो अट्ठारह और छब्बीस का अंतर बताइए आप तो आप सीधा कहेंगे अट्ठारह और छब्बीस का अंतर तो आठ होगा सर क्योंकि छब्बीस में से अठारह घटाएंगे तो आठ आएगा कि नहीं तो उतना करने से अच्छा है कि अगर हम ये बोल दें कि यहाँ संख्या गिनिए कितना है एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो पाँच गो संख्या है ना एक कम कीजिए चार चार का डबल आठ इसका मतलब यहाँ गैपिंग आठ आया थे कि नहीं आप देखिए बड़ी का और छोटी का जो अंतर है आठ है तो अंतर निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको ध्यान देना है कि अगर हमको ना बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर चाहिए ना तो जितना संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे एक कम कर देंगे क्योंकि जितना संख्या होगा ना उससे एक कम गैपिंग होता है तो हम बोलेंगे पैंसठ को संख्या है ना तो चौंसठ को गैपिंग होगा और सब में दो दो का गैपिंग होता है तो चौंसठ का डबल करेंगे तो एक सौ अट्ठाइस ये अंतर हो जाएगा आपको यहाँ हम समझा भी दिए हैं देखिए एक संख्या दो तीन चार यहाँ पाँच संख्या तो पाँच लिए हैं लेकिन अंतर जो आ रहा है पहला और अंतिम का देखिए इन दोनों का जो अंतर आ रहा है अट्ठारह और छब्बीस का वो आठ आ रहा है ना तो देखिए पाँच संख्या है ना तो एक कम कीजिए चार और का डबल आठ तो आठ ही अंतर आएगा तो आपको हम आपको बता दिए कि बड़ी संख्या कैसे निकलेगा छोटी संख्या कैसे निकलेगा तो बड़ी छोटी की तो बता दिए उसके बाद क्या कि अगर योग चाहिए तो औसत को डबल कीजिए अगर हमको बड़ी और छोटी का अंतर चाहिए तो जितनी संख्याएं हैं उसमें से एक कम कीजिए और फिर क्या कर लीजिए डबल कर लीजिए तो अंतर निकल जाएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बात समझ में आ गया होगा <coughs> कि बड़ी संख्या कैसे निकलेगा छोटी कैसे निकलेगा अगर दोनों का योग मांग रहा है तो कैसे होगा बड़ी छोटी का और अंतर मांग रहा है तो कैसे होगा बाकी हम लोग क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा जैसे कि अब देखिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा देखिए कभी कभी बंटवारा में प्रॉब्लम होता है जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे वो बना लेते हैं तो इसमें दिक्कत आता है कुछ दिक्कत नहीं आएगा आपको धीरे धीरे हम सब समझा लेंगे तो आप ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान दीजिएगा तो आप ध्यान दीजिए अच्छा हम बात करें कि कितना को संख्या है तो हम कहेंगे कि संख्या जो है वो कितना है छप्पन है छप्पन को क्रमागत संख्या है तो अगर हम इसको बंटवारा करेंगे आधा आधा में तो अगर हम इसको आधा आधा बांटे तो कितना अट्ठाईस अट्ठाइस होगा समझ में आ रहा है कि अट्ठाईस गो तो अट्ठाईस अट्ठाईस छप्पन तो बांटा जाएगा देखिए तो यहाँ क्या होता है बच्चों से दिक्कत क्या आता है देखिए तो यहाँ अगर हम बांटें तो कह सकते हैं कि इधर भी कितना होगा तो हम बोलेंगे अट्ठाईस संख्या होगा अट्ठाइस अट्ठाईस छप्पन होता है ना आपको मालूम होगा ये बात मालूम होना भी चाहिए अट्ठाईस संख्या उधर होगा और कहेंगे कि इधर जो होगा इधर भी कितना होगा औसत से इस तरफ भी कितना होगा अट्ठाईस को संख्या देखिए वो वाला में ना बहुत इजीली बट गया था ये वाला में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और उसको भी हम आपको बहुत अच्छे ढंग से टैकल करना सिखा देंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अट्ठाईस गो और अट्ठाईस गो अट्ठाईस और अट्ठाईस तो छप्पन को तो पुर गया तो बीच में तो कोई नहीं होगा बीच में कोई होगा तो आप बोलेंगे नहीं बीच में नहीं होगा क्योंकि अगर बीच में अगर औसत हम रखेंगे तो अट्ठाईस अट्ठाईस छप्पन और एक संतावन संख्या हो जाएगा इसका मतलब यहाँ इमेजिन करना होगा पिछला देखे थे पैंसठ को था तो बत्तीस बत्तीस चौंसठ और एक बीच में रख लिए पैंसठ तो वो हो गया लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है अट्ठाईस अट्ठाईस तो छप्पन तो काम तो खत्म हो गया तो आप समझिए इसको अगर बांटना है तो अट्ठाईस अट्ठाइस दे देंगे तो आप इमेजिन कीजिएगा इमेजिन क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पे ये यह कीजिएगा इमेजिन कि यहाँ पे आप देखिए इसीलिए हम नीचे कर दे रहे हैं कि बच्चा को दिक्कत ना हो वो संख्या को इमेजिन कीजिए कि बीच में अब देखिए समझिएगा यहाँ से गिनिएगा तो जैसे एक गो दो गो ऐसे ही ना होगा एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो ऐसे ही जाएगा छः गो और इधर भी अट्ठाइस को जाएगा जैसे एक गो दो गो तीन गो चार गो ऐसे ही जाएँगे इधर अट्ठाईस गो उधर अट्ठाईस गो लेकिन ना इधर अट्ठाईस गो अट्ठाईस गो छप्पन गो हो गया लेकिन जो औसत है वो बीच में रहता है औसत कितना है जी आपका एट्टी थ्री है तो औसत तो बीच में रहेगा तो हम कहेंगे इमेजिन किया जाएगा कि औसत कितना है एट्टी थ्री है और इसको आप बीच में कंसीडर कीजिएगा लेकिन अगर आप इसको बीच में कंसीडर करते हैं थोड़ा बनाने का पैटर्न समझा जाएगा खूब अच्छा सिखा देंगे आपको अब सोच के देखिए आपको यहाँ सबसे छोटी संख्या मांगा है ठीक है बड़ी भी मांग सकता था छोटी भी दोनों हम देख लीजिए ध्यान से अगर हम बोलेंगे अगर ये एट्टी है बीच में तो इसका मतलब ये एट्टी सॉरी ये एट्टी थ्री है सॉरी ये एट्टी थ्री है तो ये वाला संख्या ध्यान दीजिएगा ये वाला संख्या कितना होगा आप सोच के देखिए अगर ये एट्टी थ्री है तो पक्का ये एट्टी फोर होगा और इस इसे एक ज़्यादा सम संख्या लेना है ना अच्छा इससे पहले सम संख्या कौन आता है तो कहेंगे सर वो 82 आता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 82 होगा मतलब जो सीरीज होगा ना वहाँ ये यहाँ पे 82 होगा और यहाँ 84 होगा तो इसके बीच में ही तो 83 थ्री लाई करता होगा जो औसत है वो बीच में रहता है इसका मतलब यहाँ 83 होगा इसका मतलब हम कह सकते हैं देखिए अब ध्यान देने वाली बातें हैं ध्यान दीजिएगा इसका मतलब ये है अगर ये 83 औसत है तो इससे पहले 82 होता है ना सम संख्या तो वो लिख लेंगे और इसके बाद कौन सी संख्या होती है सम संख्या में 84 वो लिख लेंगे सम लिखना है ध्यान दीजिएगा सम संख्या आपको मालूम होगा दो से कटने वाली संख्या सम संख्या होती हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो है एटी टू है एटी फोर है तो आपको मान लीजिए क्या चाहिए तो हम बोलेंगे हमको छोटी संख्या चाहिए तो छोटी संख्या चाहिए तो एक बात देखिए अगर यहाँ 28 को संख्या है और इसको हम एक ये वाला कितना दिख रहा है तो हम बोलेंगे ये 82 दिख रहा है सर तो अगर हम इधर देखेंगे तो इसको छोड़ दे इसको मिला के ना 28 को एक हो 28 को था और ये 82 ले लिए हैं ये 22 होगा तो इधर साइड कितना और बचा इस तरफ तो हम बोलेंगे 27 संख्या और बची होंगे 27 संख्या और बची होंगे और 27 संख्या और बची होंगी और हर संख्या में जो गैपिंग होगा कितने का होगा दो दो का होगा तो हम बोलेंगे 27 का अगर हम डबल करेंगे तो 27 का डबल कितना होता है तो हम बोलेंगे चौवन होता है इसका मतलब इधर साइड कितना दिख रहा होगा चौवन अच्छा एक कम क्यों किए क्योंकि हमको ना अब यहाँ से कंपेयर करना होगा इस 82 से तो हम बोलेंगे अगर ये ये मिला के 28 को था मतलब एक गो दो गो तीन गो ये से 28 गो था तो ए गो तो ये 82 हो गया तो ये अगर हम छोड़ दें तो इधर तो अब सताईसें को ना बचा है इसको अगर हम ले लेते तो इंक्लूड कर लेते तो, कि ये वाला अगर हम बोले कि ये तो एट्टी है तो इसके बाद कितना संख्या होगा सताईस गो एटी के अगर ये एट्टी है तो इसके बाद सताइस ही संख्या होगा ना इसको मिला के अट्ठाईस हो रहा था तो हम बोलेंगे 27 का गैपिंग होगा तो सता, हर में दो-दो बढ़ेगा तो अगर दो-दो कम होते जाएगा इधर तो 27 2 54 कम हुआ होगा तो हम बोलेंगे 82 में से आप कितना घटा लीजिए 54 घटा लीजिए तो 82 में से अगर आप 54 घटाएंगे तो आपको जो सबसे छोटी संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगी तो 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 5 गया 2 इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी है 28 सबसे छोटी संख्या कितनी है 28 और ये भी धीरे धीरे फास्ट बनने लगेगा अभी प्रैक्टिस आपको नहीं हुआ है इसलिए आपको लगेगा कि इसमें कैसे बना रहा है नहीं बना रहा एकदम आसान है आप देखिए कि इधर साइड 28 गो था ये गो दो अट्ठाइस गो और ये 82 है और इसी से आपको कम्पेयर ये तो इमेजिन किया हुआ है ना तो इसको अभी यहाँ नहीं लेंगे अगर ये बीच में नहीं है इमेजिन किया गया है तो हम बोलेंगे एट्टी है ये एट्टी टू है और इधर साइड सत्ताईस को और होगा क्योंकि इसको मिला के अट्ठाईस को था ना तो हम बोलेंगे सत्ताईस को इधर और होगा और सब में दो दो कम होगा तो सत्ताईस दूनी चौवन इधर नहीं कम हो जाएगा एट्टी टू से चौवन कम करेंगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी अट्ठाइस अच्छा अगर आपको लगेगा कि ये तो सबसे छोटी अच्छा ये क्या आया तो हम बोलेंगे सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या ये आंसर भी आ गया सबसे छोटी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा यहीं पे सबसे छोटी संख्या ना बोल के आपसे ये बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम यहाँ पूछता तो अब आप क्या करते तो आप बोलते हैं सर कोई दिक्कत ही नहीं है अगर बड़ी संख्या बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्यों दिक्कत नहीं है आप ध्यान दीजिए ये संख्या कितना दिख रहा है 82 दिख रहा है तो या इसको मिला के एट्टी सॉरी एटी दिख रहा है अगर इसको मिला के ना इधर अट्ठाइस गो है आप ध्यान दीजिएगा इस 84 को ये जैसे एक गो दो गो या अट्ठाईस गो है तो हम बोलेंगे इसको अगर हमको यहाँ से इसको छोड़ दिया जाए तो इसके इधर कितना होगा तो हम बोलेंगे सर सत्ताईस संख्या होगा कितना संख्या होगा सताईस संख्या होगा कि नहीं और हर में दो दो का गैपिंग आएगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा तो सत्ताईस दूनी चौवन हो जाएगा यही वाला चीज़ वहाँ आ जाता है इधर कम होता है उधर बढ़ता है इधर भी चौवने आएगा उधर चौवने आएगा तो हम बोलेंगे इस बार 84 में कितना बढ़ जाएगा चौवन बढ़ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कंपेयर होता है इस वाले में जहाँ पे ना बीच में नहीं रहता इमेजिन करना पड़ता है तो हम बोलेंगे चौरासी में आपको कितना जोड़ना होगा तो हम बोलेंगे चौवन जोड़ना होगा सर और चौवन जोड़ेंगे तो चार चार आठ और आठ पांच तेरह तो एक सौ कितना आ जाता है अड़तीस आ जाता आ जाता कि नहीं तो हम बोलेंगे ये जो आएगा ये क्या आता सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ठीक है सबसे बड़ी संख्या आ गया कि नहीं तो बात आप समझ रहे होंगे पिछला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन एकदम अलग था देखिए सबसे छोटी कैसे होगा सबसे बड़ी कैसे निकलेगा आप एक बार देखिए अच्छा अब यहीं पे अगर कोई कहता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग चाहिए तो सीधा औसत को डबल कर लेते अगर हमको देखिए यहाँ समझिएगा अगर हम एकदम आपको रटा दे रहे हैं चीज़ों को ध्यान दीजिएगा अगर हम बोले कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी यहाँ अगर ध्यान दें फिर से लिख दे रहे हैं सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी सबसे छोटी इस वाले में समझ लीजिएगा सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या का योग मांगे तो अब हमको पूरा नहीं निकालना होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग मांग रहा है अच्छा का योग बोलेगा तो हम कहेंगे कि अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अगर हमको योग चाहिए ना सर तो कुछ नहीं करते हैं औसत को डबल कर देंगे इसको नहीं अलग से निकालेंगे ये निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं जोड़ रहे हैं आप सीधा औसत को डबल कर देंगे इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा इसका जो आंसर होगा हम कहेंगे अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग मांगेगा ना तो हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है सीधा आप औसत को डबल कर लीजिए मतलब एट्टी को कितना कर लेंगे आप डबल कर लेंगे और हम बताएं हैं क्यों डबल करते हैं तो ये तीन दूना छः और आठ दूनी सोलह एक सौ सो। छियासठ हो जाएगा समझ में आ रहा होगा तो ये चीज़ आप देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो भी एक सौ छियासठ हो जाएगा आपको तो वन सिक्स 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 हो जाएगा तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो योग होगा वो क्या होगा तो हम बोलेंगे कुछ नहीं करना औसत को डबल कर लीजिए क्यों करते हैं डबल हम बताएँ फार्मूला में कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटा दो ही तो औसत होता है तो दो से गुना कर देंगे तो पहला और अंतिम का योग नहीं निकल जाएगा अच्छा यहीं पर औसत ना मांग के सॉरी योग ना मांग के अंदर अंतर मांगता अगर कोई बोले कि सर अगर ऐसा मांगता है इस वाले में पूरा डिटेल दे दे रहे हैं अगले क्वेश्चन से ना जो मांगेगा ना वही फिर सिखाएंगे फिर अभी क्योंकि शुरुआत है ना तो आपको पूरा डिटेल दे रहा है अगर यहीं पे बोलेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर सबसे बड़ी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर सबसे च... सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर और सबसे छोटी सबसे छोटी का अंतर छोटी का अंतर अच्छा अगर ये मांग दे तो आपको बताए थे कि अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर मांगेगा ना तो जितना संख्या रहेगा उसमें से आप एक कम कर देंगे जितना संख्या रहेगा उसमें से एक कम कर देंगे और उसको डबल कर लेंगे तो संख्या कितना है छप्पन को तो आप कहेंगे छप्पन में से एक कम कीजिए तो पचपन आ जाएगा और पचपन का डबल करेंगे ध्यान दीजिएगा अगर हम पचपन आ जाएगा और पचपन का डबल करेंगे तो एक सौ दस नहीं हो जाएगा तो कहेंगे एक सौ दस इसका आंसर हो जाएगा तो बात समझ रहे होंगे कि ये चार तरह से हम आपको सिखा रहे हैं सबसे छोटी सबसे बड़ी दोनों का सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग और दोनों का अंतर तो ये चीज आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्या होगा अगले क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज पूछेगा ना उसी पे फोकस करके सीखा जाएगा तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग धीरे 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 चीज़ों का आप देखिए आप समझ रहे होंगे कि पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था देखिए ये वाला पिछला वाला में क्या था ना कि 32 को 32 को चौंसठ को तो बीचे में वो संख्या रहेगा कहा कि पैंसठ को टोटल था लेकिन इसमें बंटवारा में क्या हुआ देखें इसमें क्या है छप्पने को है तो छप्पन को में तो अट्ठाईस अट्ठाईस छप्पन पुर जा रहा है तो बीच में नहीं इसलिए इमेजिन करके ऐसे बनता है और देखिए ना हम आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लाए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ना अगर आप अगर पेशेंस रखिएगा तो ही मजा आएगा तो स्टूडेंट के अंदर तो पेशेंस होना ही चाहिए अगर

इधर भी तीस संख्या होगा होगा कि नहीं इधर भी तीस संख्या होगा और बोले उधर तीस होगा तो साठ को है तो इधरों कितना दिया जाएगा तो बोलेंगे इधर भी कितनी संख्याएं होंगी इधर भी तीस ही संख्या होगा तो तीस और तीस तो साठ हो गया तीस और सीट तीस कितना हो गया साठ हो गया तो आप खुद सोचिए कि तीस और तीस तो साठ हो गया तो बीच में तो कोई संख्या हम रख नहीं पाएंगे तो इसका मतलब आपको इमेजिन करना होगा कि साठ को में तीस तीस साठ हो गया तो हम बोलेंगे जो बीच वाली संख्या है ना हम उसको सर इमेजिन करेंगे और इमेजिन क्या करेंगे कितना औसत कितना है एक तो एक ही बीच में रहेगा यहाँ आप इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ कितना है 107 औसत को ही बीच में रखते हैं तो यहाँ बीच में आप यहाँ नहीं फिट कर सकते हैं इसको इमेजिन किया जाता है क्योंकि 30 30 60 तो हो गया है तो हम बीच में कहेंगे कि सर ये तो बांटवारा कर रहे हैं तो 30 30 60 बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है तो इमेजिन किया जाता है कि 107 होगा तो अगर ये 107 है ध्यान दीजिएगा औसत कितना आ रहा है यहाँ पर एक आ रहा है इसका मतलब पक्का इस जगह पर क्या होगा एक के बाद कौन सी सम संख्या आता है तो हम बोलेंगे सर 108 आता है और 107 से पहले कौन सी संख्या आता है तो हम बोलेंगे ये वाला होगा 106 होगा कि नहीं तो इसके मदद से हम ये वाला निकाल लेते हैं आप समझ रहे होंगे कि इधर टोटल तीस संख्या है जैसे ए गो ये ए गो ये दो गो ये तीन गो ये चार गो ऐसे ऐसे तीस गो है इधर भी कितना है तीस गो जैसे एक गो ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ऐसे ही करते करते तीस गो है तो अब आप देखिए कि अब आपको आसान होगा अच्छा बांटना धीरे धीरे सीख जाइएगा ना तो तुरंत बन जाता है ये भी अच्छा क्या मांग रहा है सबसे बड़ी मांग रहा है ना तो आप एक बार सोचिए सबसे बड़ी मांग रहा है तो यहाँ तीस गो है तो बोलेंगे सर ए गो तो यहाँ ए गो तो कितना ये दिख रहा है एक दिख रहा है दिख रहा है एक तो हम बोलेंगे ये तो एक हो गया तो इसको अगर हम एक से तो आगे बढ़ाएंगे तो एक अगर हम इसको ले रहे हैं तो एक के बाद तो तीस को नहीं उनतीसें गो क्योंकि ये एक सौ यहाँ वाला मिला के तीस गो था तो हम बोलेंगे इधर साइड इसके बाद सर उनतीसें गो संख्या होगा तो हम बोलेंगे अगर यहाँ पे अगर उनतीस संख्या होगा और इसके बाद २९ संख्या और होगा तो २९ का २९ में हर में दो दो बढ़ेगा तो २९ का डबल हो जाएगा तो २९ का अगर आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा ६८ हो जाएगा कितना ५८ हो जाएगा सॉरी ये ५८ हो जाएगा होगा कि नहीं डबल कर लीजिएगा २९ का नौ दोनवा अठारह और दो दूनी चार और एक पाँच डबल करेंगे फिफ्टी एट इसका मतलब यहाँ से कितना बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे सर फिफ्टी एट बढ़ जाएगा बड़ी संख्या चाहिए तो हम बोलेंगे एक सौ आठ में आप फिफ्टी एट जोड़ दीजिए आठ आठ सोलह का छः पाँच और एक छः और यहाँ पे एक तो कहेंगे एक सौ कितना हो गया ये एक सौ छियासठ हो गया बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी एक सौ छियासठ तो आप इसको देखिए अच्छा बहुत जल्दी बनेगा अगर बच्चा अगर अनुभवी हो तो कितना फास्ट बना सकता है तीस को देखिए एक सौ सात है तो अगला तो एक सौ आठ होगा और तीस को संख्या में से एक सौ आठ हो गया तो उनतीस तो उनतीस तो का डबल तो कहेगा तो फिफ्टी एट हो जाएगा सर और आप एक सौ आठ में फिफ्टी एट जोड़ देंगे तो आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या तो कहेंगे एक सौ छियासठ तो इसको देख लीजिए तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग ना जो क्वेश्चन में पूछेगा ना उसी भी बात करते हैं जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है सब देखिए क्या बोला है यदि अड़तीस गो लगातार समसंख्या है तो अड़तीस गो अगर संख्या है तो उन्नीस दूनी अड़तीस होता है इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर इसका मतलब इधर भी उन्नीस गो होगा इधर कितना संख्या होगा उन्नीस संख्या इधर भी होगा ठीक है और हम बोलेंगे इस तरफ भी कितना संख्या होगा तो बोलेंगे इधर भी सर तो उन्नीस ही गो होगा दोनों तरफ तब तो ना उन्नीस और उन्नीस कितना हो जाएगा अड़तीस हो जाएगा कि नहीं तो हम बोलेंगे इधर भी उन्नीस इधर भी उन्नीस तो उन्नीस दूनी अड़तीस हो जाता है कि नहीं तो हम बोलेंगे इसका मतलब सर बीच में फिर इमेजिन करना होगा आपको क्या कितना है औसत 167 तो हम बोलेंगे कि इमेजिन कीजिए कि सर बीच में कितना औसत बैठता है और यहाँ 167 होगा तो 167 अगर ये होगा और बोला है अच्छा इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग मांगा है तो इसे तो करने की जरूरतें नहीं है आप समझ रहे हैं इसमें तो बड़ी और स... देखिए क्या मांगा है आप देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी का क्या मांगा है योग मांगा है ना तो याद हम क्या बताए थे योग के लिए आप नहीं निकाली ये सब करने की जरूरत नहीं है आप सीधा कीजिएगा अगर सर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग मांगा है तो आप औसत को डबल कर लीजिए आंसर आ जाएगा औसत कितना है 167 उसको डबल कर लीजिए तो औसत को डबल करेंगे तो सात दूनी चौदह का चार हाथ में एक दो छक बारह और एक तेरह का तीन हाथ में एक दो एक दो और एक तीन तो तीन चौंतीस यही आंसर हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग मांगा है तो हमको कुछ नहीं करना है केवल आप औसत को डबल कीजिए तो औसत कितना है 167 तो 167 का डबल कितना होगा तीन कर लीजिएगा देख लीजिए इसको तो आगे बढ़ते हैं ये सब नहीं करने की ज़रूरत है ये कब करते हैं जब हमको छोटी और बड़ी निकालनी हो तब ये करते हैं हमको तो दोनों का योग निकालना था तो कुछ करना ही नहीं अगला देखिए पाँच नंबर अच्छा देखिए क्या बोल रहा है ये तो अच्छा ये देखिए अब इसी को देखिए अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि उनतीस लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है तो सबसे पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताइए इसका मतलब सबसे पहली और अंतिम मतलब छोटी और सबसे बड़ी का अंतर मांग रहा है तो अंतर मांगेगा तो याद है हम क्या बोले थे कि जितना संख्या हो यहाँ ध्यान दीजिएगा जितना संख्या हो कितना संख्या है यहाँ उन्तीस को संख्या है तो जितना संख्या है उससे एक कम कीजिए उनतीस में से एक कम करेंगे तो अट्ठाइस आएगा अट्ठाइस आएगा ना उनतीस में से और एक कम करके और इसको क्या कर दीजिएगा डबल कर दीजिएगा तो अट्ठाइस का डबल कितना हो जाएगा आपको तो हम बोलेंगे ये सर छप्पन हो जाएगा इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा छप्पन हो जाएगा तो कुछ करना ही नहीं अंतर वाला में भी तो बात समझ में आ रहा होगा कि पहली और संख्या और अंतिम संख्या का बीच का अंतर मांगेगा तो जितनी संख्याएं होंगी उसमें से एक कम करके डबल अच्छा क्यों करते हैं हम बताए थे अगर संख्याएं उन्तीस है तो जो गैपिंग होगा वो अट्ठाईस को होगा बताए थे ना कि अगर संख्या अगर उनतीस है क्या बताए थे कि संख्या अगर उनतीस है देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए संख्या ले रहे हैं एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो अच्छा संख्या सात गो लिए ना लेकिन गैपिंग गैपिंगवा छवे गो होगा देखिए ए गो दू गो तीन गो चार गो पाँच गो और छः गो तो संख्या सात गो लिए थे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात गो संख्या है लेकिन गैपिंग में कितना है एक गो दो तीन गो चार गो पाँच गो छो तो इसके और इसके में तो छवे का है गैपिंग इसीलिए एक कम कर लेते हैं सात गो है तो छ गैपिंग है इसका मतलब तो अगर उनतीस गो होगा ना तो अगर हमको पहली और आखिरी का गैपिंग चाहिए कितने का अंतर चाहिए तो हम बोलेंगे उनतीस है ना सर तो अट्ठाइस कर लीजिए और हर में दो दो का गैपिंग होता था अट्ठाईस का डबल छप्पन तो इतना कर लीजिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आप देखिए अगला छ नंबर अच्छा देखिए अब थोड़ा सा विषम संख्याएं का क्वेश्चन आ रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा देखिए अच्छा अगर इसी में बात किया जाए थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चले जाइएगा अगर यहाँ कितनी संख्याएं अच्छा ये 59 नाइन क्रमागत तो विषम संख्याएं ठीक है अच्छा 59 है तो जो बंटवारा होगा वो अगर हम 58 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 का आधा कितना हो जाएगा 58 का आधा कर लीजिए ना तो आपको पता चलेगा कि दो 2 29 हो जाएगा ना तो 29 29 बांटेंगे तो 29 29 बांट लीजिए तो हम बोलेंगे इधर भी कितना संख्याएं होगा तो हम बोलेंगे तो बोलें 29 संख्या इधर होगा 29 संख्या इधर होगा सर और इधर भी कितना होगा तो हम बोलेंगे इधर भी कितना होगा 29 लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 29 और 29 मिलके 29 और 29 मिलके कितना हो जाएगा फिफ्टी एट ही पुर रहे हैं ना उनतीस और उनतीस मिलकर फिफ्टी एट पुरहा है और संख्याएं कितनी फिफ्टी नाइन इसका मतलब पक्का यहाँ बीच में होगा यहाँ इमेजिन नहीं करना होगा आप समझ सकते हैं कि यहाँ इमेजिन नहीं करना होगा यहाँ पे बीच में संख्याए होगा यहाँ बीच में संख्या होगा समझ रहे हैं बात को यहाँ ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ भी उन्तीस संख्या यहाँ बीच में संख्या होगा फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ बीच में औसत होगा इसका मतलब यह है कि उनतीस उनतीस तो उनतीस ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन तो फिफ्टी एट हो जाता है लेकिन संख्या फिफ्टी नाइन है इसका मतलब बीच में औसत होगा और औसत है कितना आप ध्यान दीजिए तो औसत है नाइन्टी सेवन अच्छा बात इतना समझ में आ गया होगा इसको हटा दे रहे हैं ये काम का नहीं है आपके देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब देखिए बंटवारा समझ रहे यहाँ इमेजिन नहीं करना होगा क्योंकि बीच में यहाँ संख्या है 29 और 29 कितना हो जा रहा है ट्वेंटी नाइन लेकिन संख्याएं तो 59 नाइन इसका मतलब बीच में एक रहेगा और वो औसत ही रहता है बीच में 97 अच्छा अब ध्यान दीजिए आपको बोल रहा सबसे छोटी संख्या चाहिए तो अगर आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए तो आप देखिए यहाँ जैसे इस तरफ आना होगा तो हम बोलेंगे सर यहाँ एक गो दो गो तीन गो इसके बाद देखिए ये तो बीच में हो गया ये वाला तो हम बोले एक गो दो तीन गो ऐसे ऐसे कितनी संख्याएं उनतीस तो उनतीस को संख्या होगा तो उनतीस का डबल कितना हो जाएगा तो हम बोलेंगे का अगर डबल करेंगे तो कितना छोटी एट घटा दीजिए तो सत्रह में से आठ तो जाएगा तो नौ नहीं आ जाएगा और यहाँ आठ में से पांच जाएगा तो तीन आ जाएगा इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी थर्टी नाइन आप एक बार देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बन रहे हैं अब चलिए अगला चार वो अगला देखा जाए सेवन नंबर क्वेश्चन अब कर रहा है अट्ठाईस वो क्रमागत संग विषम संख्या है आप देखिए और उसका औसत छियालीस से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा अच्छा अट्ठाईस को है तो अब तो आप बोलेंगे सर अट्ठाईस को है तो आप चौदह चौदह बांटेंगे अट्ठाईस वो है तो आप कितना कितना बांटेंगे चौदह चौदह तो हम बोलेंगे चौदह संख्या सर इधर भी होगा चौदह संख्या इधर भी होगा और चौदह संख्या इधर भी होगा तो हम बोलेंगे चौदह को संख्या दोनों तरफ होगा चौदह चौदह अट्ठाईस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अब बीच में आपके पास संख्या देखिए चौदह चौदह तो अट्ठाइस पुर गया तो अब उनतीस को तो संख्या नहीं कि बीच में आप रख लीजिएगा तो यहाँ तो इमेजिन वाला काम आएगा तो आप कहिएगा चौदह को इधर चौदह ये तो खूब आपको मेहनत करके सिखा दिए शुरू में कि कैसे होता है ये तो हम बोलेंगे चौदह संख्या इधर चौदह इधर तो चौदह चौदह तो अट्ठाईस पुर गया अट्ठाइस को है तो आप इमेजिन कीजिएगा आप समझिए इमेजिन क्या कीजिएगा बीच में औसत होता है और औसत कितना है छियालीस इसका तो मतलब अगर औसत 46 है तो इसके बाद वाला जो विषम है 46 के बाद कौन सा विषम होता है तो सैंतालीस इसका मतलब ये सैंतालीस होगा अच्छा छियालीस से पहले कौन सा विषम होता है तो हम बोलेंगे छियालीस से पहले कितना होता है पैंतालीस इसका मतलब ये पैंतालीस मतलब यहाँ पे चौदह संख्या इसको मिला के एक गो दो गो तीन गो चार गो इसको मिला के चौदह गो है और इधर इसको मिला के कितना कि है इधर भी चौदह गो है एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो ऐसे से तो हम कहेंगे अब बस हमारा काम हो गया क्या होगा तो आप बोलेंगे कुछ करना नहीं है यहाँ इमेजिन वाला क्वेश्चन है और कह रहा है सबसे बड़ी चाहिए तो आप देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कितना दिख रहा है संख्या फोर्टी सेवन दिख रहा है ये तो इमेजिन है इसका काम बस ये है कि आजू बाजू का संख्या निकाल देता है तो फोर्टी सेवन है और हम बोले ये 47 है और इधर साइड तो अब हम कहेंगे अगर आप इससे कंपेयर कीजिएगा अगला तो इससे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये अगर ये अगर एक संख्या हो गया तो इसके बाद तो तेरह ही संख्या होगा इसके बाद कितनी संख्या होंगी तेरह नहीं होंगी चौदह को टोटल है इसको मिला के तो इसके बाद तो तेरह को ही होगा और हर संख्या में कितने का गैपिंग है दो का तो तेरह को संख्या अगर होगा तो दो दो का गैपिंग होगा तो तेरह दूनी 26 तो हम कहेंगे 26 सर बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे 47 में आप कितना बढ़ा दीजिए 26 बढ़ा दीजिए बड़ी संख्या आ जाएगी अगर आप फिफ्ट अगर आप देखिए तो 26 बढ़ा दीजिए तो 47 में अगर आप 26 बढ़ाएंगे तो कितना आने वाला है सात और छः तेरह का तीन हाथ में एक चार दो छः और एक सात सेवेंटी थ्री इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या हो जाएगा सेवेंटी थ्री हो जाएगा तो बात आप समझ रहे होंगे अच्छा अब देखिए अगर आप इतना समझ गए अच्छा एक बात और अगर यहीं पे अगर कोई बच्चा बोले कि सर छोटी बोलता तो एक बार देख लीजिए क्योंकि विषम वाला में एक भी बार हम बताए नहीं आपको छोटी तो हम बोलेंगे कुछ नहीं करना है सर यहाँ ना अब इससे कंपेयर कीजिए ये कितना है पैंतालीस गो है और छोटी बोल रहा है पैंतालीस ये पैंतालीस है ये वाला संख्या तो इसके बाद तो तेरह गो होगा इधर तो आप कहिएगा इधर भी सर तो तेरह दूनी छब्बीस हो जाएगा तो 26 हो जाएगा तो इस बार आप क्या कीजिएगा इसको छोड़ दीजिए तो इधर भी तो 26 तो आप 45 में से 26 कम कर लेंगे तो 45 में से अगर आप 26 कम करेंगे तो छोटी आ जाएगा तो 45 में से 26 घटा लीजिए तो 15 में से छः गया नौ और तीन में से दो गया एक ये कितना आ जाएगा उन्नीस आ जाएगा तो सबसे छोटी संख्या यहाँ उन्नीस आ जाएगा लेकिन आपको तो बड़ी मांग रहा है सेवेंटी हो जाएगा ना आप इसको एक बार देख लीजिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे ये सात नंबर क्वेश्चन था अगला देखिए तो आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते जा रहे हैं प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ ना नया सीख ही लेते हैं हमारे से और रोज़ आप वीडियो देखा कीजिए हमारा कुछ ना कुछ आपको बेहतर सीखने को मिलेगा जो क्वेश्चन को आप टिपिकल बनाते होंगे उसको हम लोग आसान तरीके से आपको सिखाएंगे एकदम बिल्कुल आसान तो धीरे धीरे आपको सिखा भी रहे देखिए जैसे कि ये और आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा देखिए अब अगर हम बात करें इसमें कि बोल रहा है बयालीस संख्या, अच्छा संख्या है अच्छा देखिए अब बयालीस क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी मांगा है अच्छा बयालीस को है तो आप समझिए कि इक्कीस को इक्कीस को तो बयालीस को पूर जाएगा आप ध्यान दीजिए हम बोले कि इधर भी इक्कीस संख्या है विषम ही है ना तो हम बोलेंगे इधर कितनी संख्या है इक्कीस संख्या होगा अच्छा इधर इक्कीस होगा तो बच्चा बोलेगा कि सर इधर भी तो इक्कीस होगा तो इक्कीस इक्कीस तो बयालीस हो गया तो बीच में तो कुछ मिला ही नहीं इसका मतलब ये इमेजिन होगा यहाँ भी तो हम बोले ए, कि इक्कीस इक्कीस बयालीस तो हम बीच में इमेजिन करेंगे क्या इमेजिन करेंगे कि बीच वाली संख्याएं जो हैं वो उसको औसत बोलते हैं और औसत है कितना एक सौ छत्तीस तो ये जो हम इमेजिन किए हैं एक सौ छत्तीस के बीच में 136 सौ छत्तीस अब इसके मदद से हम बोलेंगे यहाँ एक, एक देखिए ये वाला संख्या निकालेंगे इसके मदद से कि ये वाला क्या होगा तो एक सौ छत्तीस के बाद कौन सा विषम संख्या आता है तो एक सौ आएगा और एक सौ छत्तीस से पहले कौन सा आता है तो हम बोलेंगे पैंतीस आएगा तो ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको अब आपको ये ध्यान देना है कि बड़ी मांगा है या छोटी आप देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या मांगा है ना तो सबसे बड़ी संख्या मांगा है तो हमको तो आगे बढ़ना होगा तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको हम इसको कितना ले ले रहे हैं एक है ये वाला तो हम बोलेंगे इक्कीस में ये तो एक हो गया तो देखिए यहाँ पे इसको मिला के इक्कीस गो जैसे एक गो दो गो तीन गो चार गो ऐसे ऐसे इक्कीस गो है इसको मिला के मतलब एक सौ सैंतीस जो पहला है इसको इंक्लूड करके इक्कीस गो है तो हम यहाँ से देखेंगे यहाँ से कितना होगा तो इसको छोड़ दिया जाए तो इधर इसके बाद तो बीस ही संख्या होगा ना इसके बाद ध्यान दीजिए इसके बाद बीस संख्या होगा तो हम बोलेंगे अगर बीस संख्या है सर एक कम क्योंकि एक ये ले लेंगे तो बीस संख्या है और सब में गैपिंगवा कितने का होता है तो हम बोलेंगे सर दो का गैपिंगवा होता है तो 20 दूनी 40 बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे एक एक 137 में आप कितना बढ़ाएंगे 40 बढ़ा देंगे तो बड़ी संख्या समझ रहे होंगे 137 से आगे बढ़ाएंगे तो 137 21 को 137 ये वाला इंक्लूड करके 21 को है तो इसके बाद तो 20 को संख्या ना होगा और सम में दो-दो बढ़ेगा तो 40 नहीं बढ़ जाएगा तो आप 137 में आप कितना जोड़ देंगे 40 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा हम बोलेंगे सात सात और एक एक सौ सतहत्तर तो सबसे बड़ी संख्या मिल गया अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नौ नंबर देखिए वाला काफी खूबसूरत क्वेश्चन है जी तो धीरे धीरे चीज़ों को आप समझ रहे होंगे देखिए अब इकतालीस गो है ये तो एकदम आसान बन जाएगा ना इकतालीस विषम संख्या सबसे बड़ी संख्या अच्छा इकतालीस गो है तो बच्चा बोलेगा ये तो बहुत ईजी है सर हम बोलेंगे कि ये तो इमेजिन नहीं करना पड़ेगा सर क्यों क्योंकि यहाँ बीस गो संख्या इधर होगा इकतालीस को कैसे बांटिएगा बीस को इधर होगा तो बीस को इधरों हो तो होगा तो बीस संख्या उधर तो बीस संख्या इधर तो बोलेंगे बीस और बीस तो कहेंगे सर चालीस बीस और बीस कितना हो गया जी चालीस हो गया संख्या लेकिन है तो एकतालीस इसका मतलब पक्का बीच में यहाँ इमेजिन जो हो इमेजिन नहीं करना होगा बीच में औसत बैठा होगा बीच में क्या बैठा होगा औसत बैठा होगा बीच में और औसत है कितना देखिए 49 तो हम बोलेंगे ये 49 समझ में आ रहा है कि यहाँ इमेजिन नहीं करना पड़ेगा क्यों क्योंकि 20 और 20 कितना होता है तो 20 और बीस चालीस बीस और बीस चालीस और ये रहेगा तब ना इकतालीस इसका मतलब औसत इमेजिन नहीं करना होगा औसत बीच में बैठेगा क्योंकि इकतालीस को बांटना आसान है बीस बीस चालीस और बीच में औसत तो हम बोलेंगे इकतालीस तो आपको बड़ी संख्या चाहिए तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से यह जैसे एक गो दो गो तीन गो ऐसा ऐसा इस जगह से इसके आगे तो बीस संख्या होगा इसके आगे कितनी संख्याएँ होंगी बीस तो हम बोलेंगे सर अगर बीस संख्याएँ हैं और सभ्य दू दू बढ़ेगा बीस संख्या है सब में दो दू बढ़ेगा तो बीस दूनी चालीस नहीं बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे चालीस बढ़ जाएगा तो फोर्टी नाइन में चालीस जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगा तो फोर्टी नाइन में आप चालीस जोड़ दीजिए तो आप देखेंगे ये नौ है और ये आठ है तो कितना आ जाएगा एट्टी नाइन तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा एट्टी नाइन तो आप इसको देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत ढंग से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी खूबसूरत ढंग से हम आपको सिखा रहे हैं एकदम प्यार से इतना मधुरता से कोई नहीं सिखाएगा आपको तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन अब चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं दस नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आज का और आपको आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा दे जितना से जितना चाहें आप शेयर इसको कीजिए देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और पसंद आएगा हम लोग कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं तो आप वीडियो को अपने ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पे अपने टेलीग्राम पे जहाँ जहाँ आपका लिंक है सोशल मीडिया पे है सब जगह आप हमारे वीडियो को फैलाइए इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा हम लोग अप्रिशिएट होंगे तो हम लोगों को काम करने में मन लगेगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप जितना से जितना हो सके फैलाइए कि देखिए आप बोलिए बच्चों से कि देखिए अगर आप कॉम्पटिशन की तैयारी करते हैं ना तो इन सर्कल वीडियो देखिए रणधीर सर का वीडियो कि कैसा क्या दे रहे हैं क्या आप किस क्वेश्चन को किस लेवल में कैसे बनाते हैं और ये हम आपको कैसे सिखाते हैं पक्का पसंद आएगा तो जरूर हमारा वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा देखिए अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन पे अब देखिए यहाँ पे ना सम बोला है ना विषम नॉर्मली क्या बोला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है मतलब लगातार है अच्छा लगातार होने का मतलब यह है कि अगर बोले ना लगातार सम तो दो दो का गैपिंग लगातार विषम लगातार विषम बोले तो भी दो दो का गैपिंग लेकिन केवल लगातार संख्याएं हैं तो एक एक का गैपिंग याद रहेगा उस वाले में कितने का गैपिंग होता था दो दो का लेकिन इस वाले में कितने का गैपिंग होगा एक एक का गैपिंग होगा क्योंकि केवल लगातार बोला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है अगर कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर या ऑड नंबर बोलता तो दो दो का तो हम बोलेंगे अब एक एक का गैपिंग होगा अच्छा आप देखिए तो इसी को हम बोले कि अगर कोई बोले कि इसको कैसे बनाएंगे हम लोग तो कहेंगे कुछ नहीं करना है सर अगर बहत्तर संख्याएं हैं तो आप देखिए छत्तीस छत्तीस बांटना होगा तो हम बोलेंगे कि सर इधर भी छत्तीस को संख्या होगा ध्यान दीजिएगा धीरे धीरे ध्यान दीजिए इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा हम बोले इसमें कितना संख्या होगा तो बोलेंगे इधर भी सर छत्तीस संख्याएं होंगी और इधर भी कितनी संख्याएं होंगी तो बोलेंगे सर वो इधर भी होगा तभी तो छत्तीस छत्तीस बहत्तर होगा तो अब आप देख रहे होंगे सर छत्तीस छत्तीस तो बहत्तर हो गया इसका मतलब अब इमेजिन करना होगा क्यों क्योंकि बहत्तरे को तो संख्या छत्तीस छत्तीस हो ही गया तो बीच में थोड़े रख पाइएगा तो हम बोलेंगे इमेजिन किया जाएगा इमेजिन क्या करना है कि बीच में जो है औसत होता है और औसत कितना है एट्टी सेवन पॉइंट फाइव 87.5 तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये है कि 87.5 है तो आप देखेंगे कि अच्छा अगर हम बोले कि ये कितना होगा और ये कितना होगा तो आप देखिए 87.5 है इसका मतलब ये पक्का कितना होगा तो हम बोलेंगे 88 होगा सर और ये कितना होगा तो हम बोलेंगे ये 87 होगा इन ही इन्हीं दोनों के बीच तो एट्टी आता है औसत बीज का होता है ना तो 87 और 88 के बीच में 87.5 नहीं आएगा तो इसके मदद से हम लोग आजू बाजू वाला संख्या निकाल लेंगे क्लियर हो रहा है इसके मदद से हम लोग आजू बाजू अब आप देखिएगा अब आपको क्या मांगा है सबसे बड़ी मांगा है ध्यान दीजिए अच्छा इसको मिला के छत्तीस गो होगा इधर साइड एक गो दो गो तीन गो चार गो इसी से 36 गो होगा तो अगर इमेजिन वाले में हमको यहाँ से कंपेयर करना पड़ता है तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे सर यहाँ से गो ना होगा पैंतीस गो होगा क्योंकि ए गो यहीं से तो बढ़ा रहे हैं तो इसके बाद पैंतीस का ना संख्या होगा इसको मिला के ना छत्तीस है तो हम बोलेंगे पैंतीस गो संख्या होगा सर आप ध्यान दीजिए इस बार सम विषम नहीं है कि दो दू गो बढ़ेगा इस बार कितना क्या है कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल बढ़ेगा एक एक बढ़ता है लगातार संख्या में तो इस एक-एक एक-एक ही गैपिंग देगा बढ़ेगा समझ में आ रहा बड़ी संख्या कैसे निकलेगा तो हम बोलेंगे तो अट्ठासी में पैंतीस जोड़ेंगे तो आठ और पांच कितना हो जाएगा आठ चार बारह तेरह का तीन हाथ में तीन बारह तो एक सौ तेईस यही आपका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा एक सौ तेईस हो जाएगा तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे अच्छा इसमें भी अगर कोई बोलेगा ये वाले में सर अगर बोले कि सर बड़ी और छोटी का आप योग बताइए तो कुछ नहीं करना होता है आप औसत को ही डबल करेंगे क्योंकि बड़ी और छोटी का योग पहला पद प्लस अंतिम पद बटा दो अब बराबर औसत तो इस वाले में भी अगर कोई बोले कि सर अगर योग मांग दे तो हम कहेंगे सर पहला ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्न है पहला प्लस अंतिम पहला प्लस अंतिम बटा में दो ही तो औसत होता है और औसत कितना है एट्टी सेवन पॉइंट कितना है फाइव तो अगर हमको इन दोनों का योग चाहिए तो इसको डबल कर लेंगे तो हम बोलेंगे पहला प्लस अंतिम का योग जो होगा हम कहेंगे औसत को डबल करने से आ जाएगा तो पाँच दूनी दस का तो जीरो हो जाएगा हाथ में एक और सात दूनी चौदह और एक पंद्रह का पाँच हाथ में एक आठ दूनी सोलह और एक सत्रह एक सौ पचहत्तर यहाँ पॉइंट तो ये आएगा एक सौ पचहत्तर आएगा कि नहीं एक सौ पचहत्तर आप डबल करके देखिए तो आपको अगर यहाँ भी योग मांगेगा तो डबले होगा लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा अंतर वाला में हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इसमें भी अगर पहला और अंतिम का योग मांगेगा तो डबल ही करना होगा औसत को इसमें तो दिक्कत नहीं आएगा कि डबल करना होगा लेकिन अगर यहीं पर पहला और अंतिम का योग ना मांग के अगर कह दे कि पहला और अंतिम का अंतर चाहिए पहला और पहला और अंतिम पहला और कौन सा कहेंगे पहला और अंतिम संख्या का क्या चाहिए पहला और अंतिम संख्या का अंतर चाहिए का अंतर चाहिए तो पहला और अंतिम का अंतर चाहिए होगा ना तो देखिए ध्यान दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए ये वाला क्वेश्चन आ जाए पहला और अंतिम का अंतर चाहिए तो आप कुछ नहीं करेंगे आप देखिए कितनी संख्याएं हैं तो हम बोलेंगे सर बहत्तर को संख्या है तो बहत्तर को है तो एक कम करते हैं तो बहत्तर में से एक गया इकहत्तर इकहत्तर आ जाएगा लेकिन इस बार ना जो गैपिंग होगा ना लगातार वाला में दो दू का गैपिंग नहीं होता है एक एक का गैपिंग होता है इसीलिए बहत्तर गुना यहाँ एक एक करना होगा सॉम विषम में दो दू का करते हैं काहे है? तो जो अगला संख्या गैपिंग हुआ दो दू का होता है लेकिन इसमें गैपिंग हुआ एक एक का होता है तो इकहत्तर का डबल कर लीजिएगा आप कहेंगे ये इकहत्तर का सॉरी हाँ एक से गुना कर लेंगे तो कहेंगे कि कितना हो जाएगा इकहत्तरे रह जाएगा तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा इकहत्तर क्योंकि यहाँ दो से ना गुना होकर एक से ही गुना होगा तो पहला और अंतिम का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा इकहत्तर हो जाएगा तो इस चीज को आप लिख लीजिए स्क्रीन ले लें ले. तो आप सारा क्वेश्चन खत्म हो गया कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं